नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री कांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, सरकार की बहुत ही बड़ी आदेश आया है, अब सबको एलपीजी गैस धारकों में ई केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ई केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो नहीं आपको मिलेगा एलपीजी गैस का सब्सिडी। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका इंडियन गैस में कनेक्शन है और अगर आप खुद से ई केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको नहीं जाना पड़ेगा एजेंसी और घर बैठे अपना मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 2 मिनट में ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन गैस में ई केवाईसी पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। और एचपी गैस और भारत गैस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना कहीं गए घर बैठे मोबाइल फोन से इंडियन गैस में खुद से ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए उसके लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है इंडियन गैस, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। इस ऐप को सबसे पहले अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है साइन अप के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रजिस्टर के ऑप्शन, सबसे पहले इस ऐप में अपना अकाउंट को रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है, ईमेल आईडी को टाइप करना है, फर्स्ट नेम को टाइप करना है, लास्ट नेम को टाइप करना है, आई एग्री के बॉक्स पे टिक आउट कर देना है और यहाँ पे दिख जाता है रजिस्टर के ऑप्शन, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब आपको इस ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है या ईमेल आईडी को टाइप करना है जो आपने पासवर्ड को क्रिएट किए हैं, पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लिंक माई एलपीजी आईडी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना 16 डिजिट का एलपीजी आईडी नंबर को टाइप करना है और एलपीजी आईडी लिखा हुआ रहता है आपके पासबुक पे, तो उस पासबुक से यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है माई प्रोफाइल के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके प्रोफाइल का पूरा डिटेल्स यहां पे देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे देखिए केवाईसी स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है कि आपका एलपीजी गैस में केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। अगर केवाईसी कंप्लीट होगा तो यहां पे ग्रीन टिक आउट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप समझ सकते हैं कि मेरा ई केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आपका एलपीजी गैस में ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा री केवाईसी के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, बॉक्स पे टिक आउट करना है, फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको एक आरडी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है आधार फेस आरडी। उसके बाद जैसे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इस प्रकार से इंस्टॉल हो गया है। अब इस ऐप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से आपको बैक हो जाना है। अब आपको फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस ऐप को सबसे पहले आपको परमिशन देना है, यानी अलाउ करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अलाउ कर दिए हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है और फेस स्कैन करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताया गया है कि कैसे आपको अपना फेस को स्कैन करना होगा। इस प्रकार से आपको फेस को स्कैन नहीं करना, इस प्रकार से आपको फेस को स्कैन करना है। आपके चेहरा पे पूरी तरह से लाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, बॉक्स पे सबसे पहले टिक आउट करना है। यहाँ पे दिख जाता है प्रोसीड, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना चेहरा को स्कैन करना है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाता है सबमिट, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडियन गैस में रीकेवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, कांग्रेचुलेशन का इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब ईकेवाईसी का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले बैक होना है और यहाँ पे दिख जाता है माई प्रोफाइल के ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक ईकेवाईसी स्टेटस के ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है कि स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे आपका अगर यहाँ पे ईकेवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो केवाईसी स्टेटस यहाँ पे आपको ग्रीन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप समझ सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ईकेवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप बिना कहीं गए घर बैठे इंडियन गैस में खुद से ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं।